वेलकम टू द YouTube चैनल केमिस्ट्री प्लस। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो, केमिस्ट्री की दुनिया में आप कहीं भी लो लेवल पे एग्जाम दो या फिर हाई लेवल पे एग्जाम दो, आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी के बेसिस पे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करनी नहीं आती। कोई बात नहीं, आप लोग आज की वीडियो से अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करनी आती है, लेकिन वो लोग दो स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। अगर उन लोगों को चार पांच छह स्ट्रक्चर्स दे दी जाए और बोला जाए कि मैं ट्रेंड बता दो कि स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, वो लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें सही से सीक्वेंस लगाना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। हम लोगों को याद तो वो ट्रिक ही रखनी है, हम लोगों को उसी ट्रिक के बेसिस पे जाना है और अपना क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो ट्रिक है वो किन कॉन्सेप्ट से, किन रूल से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए फोर रूल्स दिए गए हैं। तो क्या होते हैं हमारे पास वो फोर रूल? सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है, रूल फर्स्ट रूल क्या बोलता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। क्या समझ आ रहा है हमें इस लाइन से, कि हमारे पास कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके पास जो चार्ज है वो मिनिमम होगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। देखो यही लिखा हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। अब देखो इस एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है इसमें। हम यहां पे दो एग्जांपल लेंगे, ये और एक इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज। अब हम दोनों में चार्ज देखेंगे, तो हमारे पास पहली वाली स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चार्ज ऊपर ही लगा हुआ दिखाई देता है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें अंदर से कुछ कैलकुलेट करके लाना, नहीं। यहाँ पे जीरो है चार्ज, यहाँ पे कितने है, वन टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने, टू, यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज है जीरो, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो बी स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल हो गई अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन, ओके। अब इसके बाद हमारे पास रूल नंबर टू क्या बोलता है, रूल नंबर टू कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच है मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल। यानी कि हमारे पास पहले रूल में बोला कि चार्ज मिनिमम होना चाहिए, और रूल नंबर टू क्या कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल। इसके लिए एग्जांपल देखेंगे, यानी हमें यहां पे क्या बोला गया है कि हमारे पास वो वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज्यादा होंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स गिवन है, हमारे पास पहली स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, डबल बॉन्ड्स बोलो या फिर पाई बॉन्ड्स बोलो, यहाँ पे कितने हैं, जीरो, और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, वन, ये ना एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है ना, तो वन पाई बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास जीरो पाई बॉन्ड है। तो हमारे पास इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी, क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो यानी कि ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास मोर स्टेबल है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड रूल फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास है थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, चार्ज लोकेशन। यानी कि थर्ड रूल का जो नाम है वो है चार्ज लोकेशन। यानी थर्ड रूल हमें क्या बताता है कि हमारे पास चार्ज कहाँ होना चाहिए तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगी, ठीक है। तो थर्ड रूल क्या है, चार्ज लोकेशन। तो क्या होता है इस रूल के अकॉर्डिंग, हमारे पास निगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए। तो क्या कहता है ये रूल कि निगेटिव चार्ज कहां होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर। मतलब समझ रहे हो इसका, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में पूछा जाए कि
कहां हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तो कार्बन के पास पॉजिटिव और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, कार्बन के। अगर हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में पूछ लिया जाए कि कहां पे हमारे पास नेगेटिव होगा और कहां पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव होगा यहां पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोई फिक्स नहीं है। जहां हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और जहां पे हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पे ये बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, जहां पे हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास निगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अभी देखो इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर ए और ये है हमारे पास स्ट्रक्चर बी। कौन सी ज्यादा स्टेबल है? यहां पे है एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहां है ऑक्सीजन के पास। तो यहां पे भी सिंपल, अभी जैसे मैंने बताया कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे हमारे पास कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो कहां पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और कार्बन हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो गई। फोर्थ रूल हमें बताता है चार्ज सेपरेशन, यानी कि हमारे पास चार्ज किस तरीके से सेपरेट होंगे। यानी देखो, हमें पता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस है, यानी कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, वो जितने ज्यादा पास होंगे, जितना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होगी। एनर्जी लो होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास लाइक चार्जेस है, यानी ये वाला भी निगेटिव है और ये वाला भी निगेटिव है, ये जितने ज्यादा पास होंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हम क्या प्रेफर करेंगे कि जो लाइक चार्जेस है वो दूर रहे। यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर रहेंगे, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, यानी अगर हमारे पास ये एक निगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये जितने ज्यादा पास रहेंगे उतनी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो क्या बोलता है हमारे पास चार्ज सेपरेशन रूल में, कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हैं, लाइक अगर हमारे पास निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, तो ये क्या होने चाहिए? फार, एक दूसरे से दूर होने चाहिए। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो क्या होने चाहिए? जैसे हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव है, वो क्या होने चाहिए? नियर। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स गिवन है। इन स्ट्रक्चर्स में हम देखो, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव है और एक हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है। क्या बोला हमें? हमारे पास जो लाइक चार्जेस है वो दूर होने चाहिए और जो अनलाइक चार्जेस है वो पास होने चाहिए। चार्जेस कैसे? यहाँ पे हमारे पास अनलाइक चार्जेस है, यानी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि वो पास होने चाहिए। यहाँ पास है, यहाँ दूर दूर है, तो इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो गया उस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने चारों रूल पढ़ लिए, लेकिन हमें इन्हें अप्लाई किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस में इन्हें फॉलो करना है, उसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। आप लोगों को वही चार्ट एग्जाम में याद करके जाना, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो देखो अभी हमारे पास क्या ट्रिक है, क्या चार्ट है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने का। तो कभी भी अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपेयर करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है? नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास कैसा होना चाहिए? मिनिमम। यानी कि अगर हमारे पास जिस भी मॉलिक्यूल में मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा, वो वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हमारे पास लेट सपोज सेम है चार्ज, दोनों मॉलिक्यूल्स के पास सेम है, तो फिर हम उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। फिर क्या चेक करना है हमें? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या फिर पाई बॉन्ड्स। तो क्या होने चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? मोर। यानी जिस भी स्ट्रक्चर में हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे, वो वाली स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ये भी सेम हो जाए, यानी कि किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स में हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज भी सेम है और हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, फिर उसके बाद हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज लोकेशन, यानी कि हमारे पास जो चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए। तो हमारे पास जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये भी सेम हो जाते हैं, फिर हम आते हैं कि इसमें चार्ज सेपरेशन में हमें क्या बोलते हैं कि हमारे पास अगर लाइक चार्जेस है, यानी पॉजिटिव निगेटिव वो होने चाहिए फार, और अगर हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव सेम चार्जेस है यानी कि अनलाइक चार्जेस है, तो हम वो क्या होने चाहिए? नियर।
ये चार्ज आप लोगों को सिर्फ यही चार्ज याद करना है, इस चार्ज को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यही चार्ज आप लोगों को एग्जाम टाइम में हेल्प करने वाला है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 1 2 3 4 है तो ये वो 4 रूल्स ही, लेकिन उन्हें हमने छोटा करके लिख लिया, उन्हें हमने अपनी कॉपी में इतना बना दिया कि बस हम एक नजर डालें और हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, चार्ज, फिर पाई बॉन्ड्स, फिर चार्ज लोकेशन, फिर उसके बाद चार्ज सेपरेशन। बस ये चार पॉइंट याद करने और आपके सारे क्वेश्चन हो जाने वाले। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से इन रूल्स को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और सही आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अभी आप लोग पहले सबसे इस चार्ट को नोट डाउन कर दो। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स हैं, पी क्यू आर एस टी। हमें इन 5 स्ट्रक्चर्स में क्या बताना है कि इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, यानी कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर कौन सा स्टेबल है, फिर कौन सा स्टेबल है, यानी कि हमें इन्हें इनकी स्टेबिलिटी के ट्रेंड में अरेंज करना है। तो अभी जो मैंने रूल्स बताया, अभी जो चार्ट बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो। सबसे पहला रूल क्या था, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो कहां पे कितना चार्ज है। सबसे पहले हम लोग इस वाली स्ट्रक्चर में देखें तो चार्ज है नहीं, यहां पे 1 2 2, यहां पे भी 1 2 1 2 1 2, यानी कि हमारे पास पी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज है। हमें क्या चाहिए था, हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज मिनिमम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट। तो क्या करेंगे हम, पी सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये सब तो पी से कम स्टेबल ही होंगे। अब हमारे पास बाकी सब में चार्ज सेम है, यानी कि सब में नंबर ऑफ चार्ज 2 ही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, उसके बाद क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो यहां पे हमारे पास 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां कितने हैं, 1 2, कितना होना चाहिए हमारे पास पाई बॉन्ड मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारे पास स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो यहां पे सबके पास 1 है और यहां पे 2 है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो हमारे पास पी के बाद क्या आएगा, टी, क्योंकि इन सब में तो सेम है, तो इसके इन सबके तो बाद ही होंगे, यानी कि क्यू आर और एस में अभी हमें चेक करना है और ये 2 हमारे पास निकल के आ चुके हैं। अब उनके लिए हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। फिर क्या आता है हमारे पास, चार्ज लोकेशन, यानी कि चार्ज कहां पे है। चार्ज लोकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अभी देखो हम यहां पे कौन सा हमारे पास चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है और कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है। यहां पे हमारे पास कार्बन के पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। फिर उसके बाद यहां ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, यहां भी कार्बन के पास पॉजिटिव, यहां ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यानी कि यहां पे गड़बड़ है। अब देखो अगर आप लोग मिस्टेक करने वाले हो, अगर हम लोग पहले चार्ज लोकेशन चेक करेंगे तो हम इनमें भी चेक करेंगे, तो हम लोग क्या लगाएंगे कि एस तो लेस स्टेबल है और टी मोर स्टेबल है, नहीं, टी पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है, हम उसे पहले ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बेसिस पे निकाल चुके हैं अलग, अभी हमें सिर्फ इन 3 स्ट्रक्चर्स को देखना है। तो इन 3 स्ट्रक्चर्स में इन दोनों के पास तो सही है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर है, यानी कि जो कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमारे पास ये वाली जो एस स्ट्रक्चर है ये क्यू और आर से लेस स्टेबल है। समझ आया आप लोगों को कैसे, अब इन 3 में से हमारे पास क्यू और आर तो मिडिल में होंगे, ठीक है, लेकिन आर हमारे पास सबसे कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि चार्ज लोकेशन के बेसिस पे एस स्ट्रक्चर हमारे पास क्यू और आर से लेस स्टेबल हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है, क्या होता है वो, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन देखेंगे तो हमारे पास लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए और हमारे पास अनलाइक चार्जेस पास होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नियर होने चाहिए और नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव फार होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, हमें सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स देखेंगे, देखो एक क्यू और एक आर, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये देखो ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन, और आर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव में कितना डिस्टेंस है और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास कितने पास है, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है, इनके पास जितना कम डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा
यहाँ पे उतनी कम एनर्जी होगी और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम अनलाइक चार्जेस की बात करें, अनलाइक चार्जेस में हमारे पास चार्जेस जितने ज्यादा पास होते हैं उतना ज्यादा रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इनहांस होती है, एनर्जी बढ़ती है तो हमारे पास स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल कौन सा है, आर। तो क्यू और आर में से हम क्या लिखेंगे, आर इज मोर स्टेबल देन क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से वो चार्ट हमें काम आने वाला है जो हमने अभी अभी बनाया था। ऐसे हम लोगों को सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले नंबर ऑफ चार्ज देखना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखने, फिर चार्ज लोकेशन देखनी है, फिर चार्ज सेपरेशन। अगर आपने कहीं पे भी ये जो ऑर्डर है इसे ब्रेक कर दिया, यानी कि सीक्वेंस में नहीं देखा, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होने वाला है। आपने चार पॉइंट्स याद रखने और आप लोगों का क्वेश्चन सही ही होगा, डेफिनेटली सही होगा। अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करके बताया, इस तरीके से आप लोगों को अपने और क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आई होप आज की वीडियो से जिन लोगों को नहीं भी आता था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, उन लोगों को भी सही से आ गया होगा। और जिन लोगों का क्वेश्चन बार बार गलत होता था उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि हम लोगों को ये सिक्वेंस फॉलो करना है, सो दैट कि हमारा आंसर जो है वो सही आ सके। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।